रचना, किसका फोन था बेटा? किसी का नहीं मम्मी, वो रॉन्ग नंबर था। कोई बात नहीं, चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो, कॉलेज के लिए निकलो दोनों। रचना क्या हुआ? तो कुछ नहीं। तो खाओ। नहीं चाची जी, जी हो गया। अब मम्मी हो गया हमारा। एक मिनट, क्या हो गया? एक निवाला तक नहीं खाया तुमने? अब नहीं मम्मी, बस हमें भूख नहीं है। अरे चले कुंजन। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। दीदी करना तो पड़ेगा ये ना, सीधी उंगली से ना सही, उल्टी उंगली से ही सही। संगीता बात उंगलियों की नहीं है, बात खर्चों की है। अरे उस कुंजन के ऊपर हम अपना पैसा क्यों फूके? अपना बेटा तो पहले ही हम दान कर चुके हैं, और अब तुम भी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम कितना खर्चा कर चुके हैं, और तुम ऊपर से और खर्चे की बात कर रही हो। दीदी आप बोल चुके, अब हम बोले। ये लीजिए। नहीं लीजिए ना। और अब ठंडे दिमाग से सुनिए। देखिए दी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। मतलब दीदी लागत से मुनाफा बहुत ज्यादा है। कैसे? देखिए दीदी, आपको अपनी मन चाही बहू चारू के साथ साथ और कितना कुछ मिलने जा रहा है, ये भी तो सोचिए। अरे वाह, ये की ना तूने व्यापारियों जैसी बातें। दीदी दुकान पर नहीं बैठते तो क्या हुआ? दिमाग तो वैसा ही है ना। तो ठीक है, आ गया प्लान समझ में? आज से नहीं, अभी से मयंक के सामने महान बनना शुरू कर दीजिए। उसे ये जताइए कि आप उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी भी हद तक। और ये आप तभी कर पाएंगी जब आप गुंजन को बहू की तरह नहीं बेटी की तरह प्यार देंगी। माँ जरा पानी लाना प्लीज। लाए बेटा। लो आ गया मयंक, ये लीजिए और शुरू हो जाइए। चलिए ठीक है। अगर उसका व्रत रखने का मन नहीं है तो उसकी क्या गलती है? देखो बेटा, गुंजन बड़े शहर की लड़की है, वहीं पर पली बड़ी है, वो यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना वो सब समझ जाएगी। शुरू शुरू में ना हमें बुरा लगा था, लेकिन बेटा जब हमने तुम्हारा और उसका प्यार देखा ना, हम अच्छी तरह से समझ गए तुम दोनों की खुशी ना एक दूसरे में ही है। इसलिए ना तुम और ना हम उससे नाराज होंगे। बेटा ऐसी लड़की सौभाग्य से मिलती है। माँ तुम कितनी अच्छी हो, सब बात कितने अच्छे से समझ गए। आपने गुंजन को एक्सेप्ट किया, उसे पसंद किया, और इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। माँ यू आर जस्ट टू गुड। माँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। I'm really sorry. चल बदमाश, चुप। और माँ गुंजन भले व्रत ना रखे, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती है, और पता है आपके लिए मुझे कितना डांटती है वो। अच्छा? और वैसे भी अगर माँ इतनी अच्छी हो, थोड़ी बहुत डांट खाने में क्या फर्क पड़ता है। चल चल, ज्यादा बातें मत बनाओ। अब बेटा हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बोलिए ना। बेटा गुंजन भले ही व्रत रखे या ना रखे, लेकिन हम सास हैं तो हम अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं। हम ना उसे सरगी देना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन ना सुहागने सब नए कपड़े पहनती है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बहू भी पहने। हाँ हाँ, बिगाड़ो बिगाड़ो, अपनी होने वाली बहू को खूब बिगाड़ो। उसके लिए नए कपड़े और मेरे लिए क्या? तुम्हारे लिए गुंजन है ना। अच्छा अच्छा, अभी हंसना हंसाना छोड़ो और हमारे साथ बाजार चलो, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि गुंजन को क्या पसंद है। ओके माँ, जो आपका हुक्म।
क्या है ना कि जल्दी जल्दी में हम घर से पैसे लाना भूल गए। आप हमारे साथ अपना एक आदमी भेज दीजिए, हम हाथ के हाथ पैसे दे देंगे। ओ माफ कीजिए मैडम जी, वो त्योहार के दिनों में दुकान में एक भी आदमी फ्री नहीं है। आप पैसे ले आए, ये सूट यहीं रहने दीजिए। कमाल करते हैं भैया, अरे हमारा घर शहर के उस कोने में है, आप भेज दीजिए ना। नहीं तो एक काम कीजिए, हम कल भेज देंगे। ऐसे कैसे मैडम जी, सेल के टाइम पर आप नुकसान की बातें कर रही हैं। और आप कैसी बात कर रहे हैं, भला कोई अपने ग्राहक को खाली हाथ जाने देता है क्या? बात खाली हाथ की नहीं, पेमेंट की है। आप जितना भी सामान लो लेकिन उधार नहीं। अरे हम भी कोई फक्कड़ नहीं है जो आपसे उधार लेंगे। और हाँ, तमीज से बात कीजिएगा हमसे। अरे माँ रहने दीजिए ना, मैं बाद में आके पिक कर लूंगा। अरे क्या रहने दे, उसे तो कुछ कह नहीं रहे हो। और हाँ, एक सूट दे दोगे ना तो आपकी दुकान बंद नहीं हो जाएगी। यार चिल्लाइए मत। और आप भी आराम से बात कीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। बुजुर्ग औरत से कोई ऐसे बात करता है? कितने पैसे हुए आपके हमें बताइए। 8,400। चारू रहने दो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं मयंक जी, अपनों में कोई फॉर्मेलिटी होती है। चुक चुक जियो बेटा, अगर तुम नहीं आती ना तो आज हमारी बेइज्जती हो जाती। ये लीजिए। थैंक यू चारू। दोस्ती में नो थैंक यू। और आंटी जी, हम कल आपकी पसंद की साड़ी पहनना चाहते हैं। वो क्या है ना, हम कल व्रत रख रहे हैं ताकि भगवान जी हमें मयंक जी जैसा अच्छा पति दे। आप हमें साड़ी पसंद करवाएंगी ना? क्यों नहीं, जरूर खरीदवाएंगे। माँ मैं वो बाइक लेके आता हूँ, थोड़ा दूर बाकी है ना। ठीक है बेटा, जाओ। चल बता बेटा, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है भैया, इसे पैक कर दीजिए। और कुछ चाहिए हो तो बता देना हमें। हाँ ठीक है, ये लीजिए, हम ही दे रहे हैं। हेलो बेटा। थैंक यू सासू माँ। बस बस, चुक चुक जियो। भगवान करे तुम्हारा व्रत अच्छे से पूरा हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। चले माँ। आप? हाँ बेटा, ठीक है। आप चारू, थैंक्स अगेन। कहा ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। बाय बाय आंटी। बाय बेटा। बाय मैम। चलो बताओ क्या लोगी? कुछ नहीं सर। ऐसे कैसे? एक काम करता हूँ, दो कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ। ओके सर। वेटर। ये यहाँ क्या कर रहा है? आहा, मिस पुलिस वुमन, मुझ पे चेकिंग हो रही है? मेरे पास ऐसे फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। ओके? अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, पूरे शहर में तुम्हें यही कैफे मिला? ओह माय गॉड, यू आर सो स्मार्ट विहान। हा हा, लिसन, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ और वो डेफिनेटली तुम नहीं हो। यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। हेलो जी, हाँ मैं वियान शैलेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। क्या वियान? जी नहीं, शैलेश अग्रवाल मेरे फादर का नाम है। रचना का होने वाला पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।